गुड मॉर्निंग दोस्तों जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाज़ार घीनपुर प्रयागराज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है मैं हूं आशीष गुप्ता तो बच्चों हम लोग भारत और समकालीन भाग दो जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं उसके अंतर्गत हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तो उस राष्ट्रवाद के उदय में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया जैसे हम लोग पिछली क्लासों में देख लिए फ्रांस को नेपोलियन को देखे थे तो आज देखते हैं जो अगला दो यूरोपीय महाद्वीप में एक देश था वो था इटली तो इटली के एकीकरण एक में एक महान जो योगदान करता था उसका नाम था मेजनी कहीं कहीं मेजनी लिखा रहता है तो वो भी उसी का नाम है मेजनी तो आइए चलिए शुरू करते हैं इटली के एकीकरण एक में मेजनी का योगदान करा कि मेजनी दार्शनिक साहित्यकार राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था यानी मेजनी जो था इटली का एक महान ठीक है दार्शनिक भी था साहित्यकार भी था राजनेता था साथ ही साथ वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था और एक कुशल सेनापति भी था ठीक है बच्चों तो ठीक समर्थक और कुशल नेता भी था तो राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर मेजनी ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी की सस्ता ग्रहण की जब वो बचपन से ही क्या हुआ था राष्ट्रवादी भावनाएं उसके अंदर बहुत प्रेरणा थी यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम उसके अंदर बहुत ज़्यादा था ठीक है तो उसने एक गुप्त गुप्त जो संस्था थी गुप्त रूप से काम करने वाली संस्था थी उसका नाम था कार्बोनारी तो उसकी उसने सस्ता ग्रहण कर ली और मेटरनिक ठीक है मेटरनिक युग के पतन के बाद जब ऑस्ट्रेलिया का जो तानासार थे ठीक है मेटर्निक उसके पतन के बाद ठीक है का इटली में प्रादुर्भाव हुआ यानी वो वहाँ पे उत्थान करके आया तो यहीं से मेटरनी के युग के अंत के बाद से ही मेजनी का इटली एकीकरण एक में योगदान शुरू होता है तो कह रहा है कि अपने लोकतांत्रिक उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने वर्ष अठारह सौ इकतीस में मैक्सियाई में यंग इटली नामक एक युवाओं का संगठन बनाया अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था तो उसका नाम था मेजनी तो अठारह के, के अंतर्गत मैक्साई में ठीक है यंग इटली नामक एक युवाओं का एक संगठन बनाया था ठीक यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य था इटली को ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से मुक्त कर कर उसकी एकीकरण एक करना यानी जो ऑस्ट्रेलिया था वो समय बहुत ही खतरनाक देश के रूप में था उसके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं थी बल्कि जो रूणवादी विचारधारा यानी पुरानी पुरातन विचारधारा थी सभी प्रजातंत्र को मानने वाले थे लोकतांत्रिक भावनाओं को मानने वाले थे किंतु जो ऑस्ट्रिया था वो रूणवादी यानी पुरानी विचारधाराओं को मानने वाला था उसकी मान्यता थी कि जो राजतंत्र ही है वही सब कुछ सही है राजा जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया है उसकी आज्ञा ही सब कुछ है तो यानी एक एक तरीका से ऑस्ट्रिया जो था निरंकुश शासन का समर्थन करता था अन्य जो दोस्त थे जैसे फ्रांस था इटली थे जर्मनी ये इसके विरोध में थे तो ये कौन थे उदारवादी लोग थे उदारवादी विचारक थे तो ऐसे विचारकों को जो ऋणवादी विचारक थे वो समन्वय नहीं करते थे मेलजोल नहीं करते थे इसलिए उनके पीछे पड़े रहते थे ठीक है तो मेजनी का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जात की प्राकृतिक इकाई बनाने की का ठीक है इरादा किया था इसलिए इटली छोटे छोटे राज्यों और राष्ट्रों का एक चित्रल नहीं बन सकता उसकी मान्यता थी कि ईश्वर ने सिर्फ हमें क्या बनाया है एक मानव जाति बनाया है प्रकृति में बनाया है और हम लोग एकजुट रहने के लिए बनाया है ठीक है ना कि कोई राष्ट्र राज्य या किसी को अलग अलग करके देखा जाए तो उसकी ये जो सोच थी बहुत ही अच्छी थी जो आज के वर्तमान लोकतांत्रिक रूप में मानी जाती है आगे है उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया यानी उसने क्या किया इसी नारे को सभी जनता के सामने ठीक है आप जनता जो इटली के नागरिक थे इटली के फल निवासी थे उनके अंदर ही क्या कि भावनाएं पैदा की या आप राष्ट्र के प्रति जागरूक होइए राष्ट्र के प्रति प्रेम रखिए राष्ट्र ही आपके लिए सर्वपरि है ऐसी भावनाओं को उसने बुलंद नारे किए ठीक है वो क्या कहता था यदि समाज में क्रांति ठीक है यानी यदि समाज में क्रांति यानी बदलाव लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नौ युवकों के हाथों में दे दिया जाए यानी जो भी आपको समाज में परिवर्तन लाना है जो भी चेंजेस लाना है तो यूथ ऑफ यानी जो नौ युवक हैं वही क्या कर सकते हैं परिवर्तन ला सकते हैं इस राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा जब ऐसी विचारधाराएं वो अपने इटली में प्रचार करता था तो बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया के उपासक थे जो ऋणवादी परंपरा के विचारक थे वो इसका विरोध करते थे इस कारण से मेजनी को अपना इटली छोड़कर इंग्लैंड को जाना पड़ा था वहाँ से उसने अपनी रचनाओं के द्वारा फिर वो बैठने वाला व्यक्ति तो था नहीं आराम करने वाला व्यक्ति थोड़ा नहीं आलसी तो था नहीं उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रवादी प्रेम की भावनाएं थी तो उसने क्या क्या अपनी कुछ रचनाओं के द्वारा ठीक है और इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा अपनी कुछ बुलंद रचनाएँ कविताओं के द्वारा लेखकों के द्वारा नाटकों के द्वारा उसने क्या किया बहुत सारे ऐसे रचनाएँ की जिससे इटली के नागरिक जो पढ़े और उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएँ और वो राष्ट्र के प्रति मुड़ गए आगे है मिजनी को इटली के एकीकरण का जनक और पैगंबर कहा जाता है तो जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान रहा वो था मेजनी का तो मेजनी क्या किया पूरे इटली को जो इटली बट चुका था जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था तो उस समय फ्रांस भी साथ था इटली भी था जर्मनी भी था जो हम लोग उन्होंने इसका डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर इटली क्या था धीरे धीरे उसके अंदर राष्ट्रवादी भिरेम की भावनाएं बढ़ती गई और वो राष्ट्र के प्रति एकजुट होता रहा इस प्रकार इटली का क्या हुआ एकीकरण हुआ उसको हम लोग कई कड़ी में देखेंगे तो वो कम से कम चार चरणों में इटली का एकीकरण हुआ प्रत्येक का अपना अपना एक किस्सा है तो इसमें सिर्फ हम लोग इस सिलेबस के अंतर्गत इतना ही पढ़ेंगे कि इटली एकीकरण एक एक में, में मेजनी का योगदान क्या था तो सीधा योगदान क्या था एक एक सामान्य सा दार्शनिक साहित्यकार और राजनेता साथ साथ कुशल सेनापति होने के नाते उसने क्या किया अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करते पूरे इटली में ठीक है अपना बुलंद कर दिया और फिर से इटली को जो टुकड़े टुकड़े में बट रहा था इटली उसको उसने एक करने की कोशिश की तो ये था मेजनी का इटली के राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान तो बच्चों ये हमारे पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत माना जाता है ठीक है इसी के साथ साथ जब अभी मिलेगा जर्मनी में बिस्मार का योगदान तो सेम ऐसे ही मिलेगा तो तब ये आप पूरा अच्छे समझ लीजिए ठीक है और इस इसको काज से आप अपने नोट्स को भी तैयार कर लीजिए तब तक बच्चों जय हिंद जय भारत